अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों इसका रिजल्ट 2023 का आ चुका है। मैंने कुछ देर पहले आपको सारी लिस्टें दिखा दी थी जहां मैंने आपको सिलेक्टेड चांस मेमो और नॉमिनेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की लिस्ट दिखा दी है। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है, क्वालिफाई कर लिया है मतलब, उनको मेरे साइड से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और जिनका वेटिंग में आया है उनके लिए ये वीडियो है। बताऊंगा आपको आगे कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। मेरे ख्याल से डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सब्सक्राइब दोस्तों नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुंचती रहे। जिन लोगों को 2024 की तैयारी करनी है डिप्लोमा की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बैस कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे नंबर एक में तो आप ज़रूर 2024 में एएमयू में डिप्लोमा कर रहे होंगे। दोस्तों पहले अब बात करते हैं कि कितनी दोस्तों वेटिंग क्लियर हो जाएगी। दोस्तों बॉयज़ के बारे में पहले बात करूंगा आपसे। 303 बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया। मैं बात करूंगा आपसे जनरल लिस्ट के बारे में, जो स्पेशल कैटेगरी वाले लिस्ट है उसको साइड में डालते हैं, उस पर बात मैं नहीं करूंगा। तो सिर्फ जनरल के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों 303 बच्चों का नाम आया है सिलेक्टेड लिस्ट में, और 2500 वेटिंग निकाली गई। 2500 वेटिंग जो है वो निकाली गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक सीट पे ऑलमोस्ट 8 वेटिंग जो है वो 8 से भी थोड़ा ज़्यादा वेटिंग जो है वो निकाली गई है। दोस्तों अब यहाँ पर वेटिंग तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके रीज़न ये है, ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस और डिप्लोमा दोनों का भरा होगा, तो वो इसको वो छोड़ेंगे, उनका नाम चला जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जामिया डिप्लोमा में उन्होंने क्वालिफाई की मतलब सब कर लेंगे, तो शायद वो वहाँ चले जाएंगे और शायद यहाँ पर ना आए। और उसके अलावा दोस्तों कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने जामिया 11 साइंस का दिया होगा या डिप्लोमा का दिया होगा, तो वो बच्चे ऑलरेडी जामिया जा चुके होंगे। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए, और कुछ बच्चे शायद इसमें ऐसे वेटिंग में ऐसे हों ऊपर जिनका शायद जामिया में 3 स्कूल से, तो वहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो साइंस के अंदर, तो वो वहाँ पर चले गए होंगे। तो इस सब को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा खासा वैक्यूम यहाँ पर होगा और अच्छे खासी वेटिंग जो है वो क्लियर होने के चांसेस हैं। दोस्तों बताता हूँ आपको कि बहुत आसानी से कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आपको सब्जेक्ट बढ़िया चाहिए, बढ़िया ब्रांच चाहिए, तो अगर आपकी वेटिंग 500 के एंड 500-600 के अराउंड अगर आपकी वेटिंग है ना, तो आपको एक बहुत ही डिसेंट ब्रांच मेरे ख्याल से मिल जाएगी। लेकिन अगेन ध्यान रहे, ओके, इसमें ऐसे वो जो जामिया में आपके 11th में जो सीट्स हैं वो ऐसी सीट्स नहीं है, बहुत सारे सीट्स नहीं है, 100-150 सीट्स लगभग वहाँ पर हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं करें। और ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया हो, लेकिन एक माइंड बात ज़रूर है। तो अगर आप 600 के अंडर में आप आ रहे हैं, तो आपको एक मेरे ख्याल से बहुत ही डिसेंट ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। मैंने आपको कारण उसका बता दिया है, इसका रीज़न क्या है। दोस्तों उसके बाद बात करें, अगर आप 600 के ऊपर आपकी वेटिंग है, तो फिर आपको टॉप सब्जेक्ट जो है ना 5-6, जैसे आपके मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, ठीक है, या आपकी सिविल है, तो इस टाइप की, या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इस टाइप की ब्रांचेस को फिर आपको मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद जो बची हुई ब्रांचेज हैं उन्हीं तक आपको, उन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी, सीट 303 ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि अब सारे 303 बच्चे छोड़ने वाले हैं इसमें से। अगर 50-100 बच्चों ने भी एडमिशन ले लिया डिप्लोमा के अंदर, तो बाकी 200 सीट बचेंगे। 200 सीट में दोस्तों मैक्सिमम वेटिंग जो क्लियर होगी मेरे ख्याल से वो 1000 से लेके 1100-1100 तक तो शायद क्लियर हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, ब्रांच फिर 600 के ऊपर वाली ब्रांच तो आप जान सकते हैं कि कितने, बहुत नीचे वाली ब्रांच आपको मिलने वाली है। दोस्तों ये था बॉयज़ के बारे में। बात करें गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स में सीट्स जो आएंगे जनरल वो 89 सीट्स है, बाकी सीट गएंगे आपके स्पेशल कैटेगरीज के अंदर। और वेटिंग जो निकाली गई है वो 1200 वेटिंग है, 1200 वेटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकाली गई है। लगभग एक सीट पे आपको 13 स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखा गया है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा नंबर है, और यहाँ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटिंग तो मेरे ख्याल से क्लियर नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें भी ऐसी बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिन्होंने 11th भी क्वालिफाई कर लिया होगा, तो वो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन सीट्स केवल 89 है, आप जामिया में कुछ चली गई होंगी साइंस वाले, तो वहाँ दोस्तों वो कुछ चली गई होंगी, तो सीटें बचेंगी। लेकिन अगेन 89 ही सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है। 1200 वेटिंग दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से, अगर आपकी, मतलब मेरे ख्याल से 200 के अंदर अगर आपकी वेटिंग आई है, तो मैं समझता हूँ आपको आराम से क्लियर हो जाएगी, और जो भी ब्रांच आप चाह रहे होंगे वो आपको मिल सकती है।
200 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो गर्ल्स में जो है ना चार पांच ही ब्रांचेज हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों अगर आप 200 के ऊपर हैं तो दोस्तों फिर आपको अगर क्लियर होगी तो मेरे ख्याल से गर्ल्स में मैक्सिमम वेटिंग जो दोस्तों मेरे ख्याल से क्लियर होगी वो मेरे ख्याल से 400 से 500 तक, इससे ज़्यादा मैक्सिमम 500, इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी भी हाल में क्लियर नहीं होने वाली है। और आप 250 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको नीचे वाली ब्रांचेस जो हैं उन्हीं में ही आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे भी ऐसी भी लड़कियाँ होंगी जिनको 11th में उनका एडमिशन नहीं हुआ होगा, साइंस में डिप्लोमा आएगा, 89 में अगर आते, ऐसे 30-40 बच्चे भी, 30 बच्चों ने भी इसमें से एडमिशन ले लिया सेकेंड लिस्ट में, तो बाकी बचती हैं आपके लिए 59 सीट्स में मैक्सिमम दोस्तों 500 भी, मैं बहुत बिल्कुल लास्ट बोल रहा हूँ, शायद 400 के आगे वेटिंग क्लियर ना हो। लेकिन ध्यान रहे 200 के ऊपर जाएंगे आप तो फिर आपको ब्रांच जो है फिर वो नीचे वाली मिलने के चांसेस हैं, और 500 के ऊपर तो कोई चांस ही नहीं मेरे ख्याल से, वो तो बस लिस्ट निकाल दी गई है आपको खुश करने के लिए। दोस्तों ये था मेरा गैस डिप्लोमा के बारे में, आई होप मैंने आपकी हेल्प की, सब्सक्राइब शेयर, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।